समान मैं जिनको अपना आदर्श मानता हूं, इस विद्यालय के परम सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण वाजपेयी जी मंच पर उपस्थित, इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य हमारे गुरु है आदरणीय साहू रहे जी मंच पर उपस्थित, कराओं नहीं बल्कि अल्लाह पाल ने युवाओं के कारक पहचान और जिले मार्गदर्शक कादरणी कुर्कू जड़े जी मंच पर उपस्थित, प्रतापल्लन भावा कादरणी राजभंडर सिंह दादा सम्मानित पूर्व प्रधान बनवा इस विद्यालय के भावक संपाल जी पंकज केसरे जी और मेरा कुशल मार्गदर्शन शक्ति के पुरस्कार करने वाले मेरे प्रिय बड़े भाई आदरणीय सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी उपस्थित मंचाशील सभी सचिव का मैं दिल की अलग द्वारा साहब का बहुत बहुत स्वागत का वंदन अभिनंदन करता हूं। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा क्योंकि विद्यालय परिवार के कार्यक्रम हमको भी देखने का अवसर मिला है, लेकिन आज जिस तरह से गोपाल विद्यालय ग्रंथालय के ऐतिहासिक प्रांतों में कोरोना महामारी के बाद जब विद्यालय खुला इन नामों के उत्साहवर्धन के लिए जिस तरीके से स्वागत समारोह समारोह का कार्यक्रम रखा गया यह निश्चित ग्रंथालय के ऐतिहासिक प्रांगण में अद्भुत और प्रशंसनीय तरीके से ये कहना छोटी बात होगी कि कोरोना नहीं बल्कि जनपद प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में नौ निहालों के इस अद्भुत सम्मान समारोह और स्वागत समारोह के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम लोगों के गुरु और मैं खुद उनको अपना आदर्श मानता हूं नेपाल विद्यालय इंटर कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय रूपनारायण वाजपेयी जी हमारे गुरु रहे गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय स्वामी रानी जी मंच पर उपस्थित हम लोगों के मार्गदर्शक युवाओं के कलप पहचान वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय पृथ्वी सूर्य जी हमारे गुरु आदरणीय आजाद बहादुर सिंह जी बगल में बैठे प्रधान समिति बाबा आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी पंकज केसरी जी अखिलेंद्र सिंह जी एवं सभी सम्मानित परिवार और इस विद्यालय परिवार के परम सम्मानित गुरुजनों को मैं बहुत बहुत स्वागत प्रदान करता हूं। आपके विद्यालय परिवार की प्रार्थना हुई कि मुझे भी मेरा बचपन याद आया, मैं भी इस विद्यालय परिवार में पढ़ता था और तीन साल मैं भी प्रार्थना किया हूं। मैं जब आज प्रार्थना सुनी तो मेरा मन बच्चा